आप देख रहे हैं मल्टी थिंग्स हब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को मेरा चैनल फॉरवर्ड करिए ताकि वो मेरी वीडियोस देखते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर उन्हें नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। आई थिंक पेरेंट्स की हमारी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होती है क्योंकि वही तो हमारी लाइफ होते हैं। क्या उनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल है? नहीं, वो होंगे तो ही हम होंगे इस पूरे संसार में। क्या बच्चे बिना पेरेंट्स के होते हैं? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी पेरेंट्स की ममता से अनजान होते हैं। तो हमें पेरेंट्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं तो क्या वो किसी चीज़ के लिए मना करते हैं? नहीं ना। तो जब उनका टाइम आता है तो हमें भी उनकी सारी चीज़ें, उनकी मांग हमें भी पूरी करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं, बच्चों से लेकर बड़े होने तक का जो हमारा सफ़र होता है उसमें हमें पेरेंट्स कभी नहीं छोड़ते, तो क्या हमें उन्हें छोड़ना चाहिए? नहीं ना। तो वो बच्चे तो बहुत ही लकी हैं जिनके पेरेंट्स हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनसे जाकर पूछो वो अपने पेरेंट्स की ममता के लिए कितना रोते हैं। उनके भी पेरेंट्स होने चाहिए थे ना। तो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जो कि हमें करना चाहिए। हमें उनके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। जब हम कुछ मांगते हैं तो क्या वो कभी किसी चीज़ के लिए सोचते हैं? नहीं, हम कुछ मांगते हैं, हम ज़िद करते हैं तो हमारी ज़िद को वो ज़रूर पूरा करते हैं। हमें क्या करना होता है? हमें एक पढ़ाई, उनका ध्यान, उनका ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, जब वो हमारा ध्यान रखते हैं तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। वो हमारे भगवान स्वरूप हैं दोस्तों, उनकी पूजा करनी चाहिए। आज की यंग जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स को भूलती जा रही है। हालांकि मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ तो मेरी बातों का प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं बस थोड़े से सजेशंस और शॉर्ट मैसेज देना चाह रही हूँ। प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना और मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई भी गलती हुए तो। तो दोस्तों, मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि यंग जनरेशन अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम्स क्यों भेज देती है? क्या वो कभी उनको दया नहीं आती कि जो उन्होंने हमें पाल पोस कर हमें काबिल बनाया और हमें बड़ा किया? तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, हमें भी रखना चाहिए। उनकी आंखों से एक आंसू टपकता है तो हम सबके दिल में चुभता है दोस्तों, हम सबके दिल में चुभता है। तो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, यही मेरा एक शॉर्ट मैसेज है। अगर मेरे से कोई भी गलती हुए तो मुझे माफ़ कर देना और मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।